दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पीएम किसान ई केवाईसी का डेट बढ़ गया है। लास्ट डेट क्या है पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा किसानों की। अब बल्ले बल्ले अब आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि आपको 2000 रुपये की किस्त चाहिए तो कब आपका 2000 रुपये आएगा ये भी बताऊंगा, और लास्ट डेट कितना बड़ा है ये भी बताऊंगा, और ई केवाईसी करना अनिवार्य है तो कैसे आप कर सकते हैं ये भी बताऊंगा। फिलहाल आपके लिए बहुत ही खुशखबरी है क्योंकि आपका डेट पूरी तरीके से बढ़ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ ऑफिशियल वेबसाइट पर बताया गया है कि आपका डेट किस प्रकार से बढ़ा है, और यूआईडी को भी संपर्क किया गया है कि वो अपना साइट जो है अच्छे तरीके से वर्क कराए। यहाँ पे देख सकते हैं पीएम किसान ई केवाईसी करोड़ों किसानों को खुशखबरी, बढ़ गई पीएम किसान ई केवाईसी की लास्ट डेट। वीडियो को अंत तक बनिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे देख सकते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत रजिस्टर्ड 15.1 करोड़ किसानों के लिए बहुत राहत भरी खबर है। योजना का लाभ पाने के लिए अनिवार्य केवाईसी 22 मई तक पूरी की जा सकती है, यानी 22 मई तक बढ़ा दिया गया है। और आगे की जानकारी मैं आपको बताता हूँ, 31 मार्च थी, बता दें कि पीएम किसान की 11वीं किस्त 1 अप्रैल 2022 के बाद इसको मतलब 2000 की किस्त आपको अप्रैल तक मिल जाएगा। इसके बाद की जानकारी आप अंत तक देखिए। देख सकते हैं यूआईडीआई से प्राप्त अधिसूचना के अनुसार ओटीपी सेवाओं को रुक रुक कर जारी के कारण ओटीपी सत्यापित करने समय समाप्त होने की दशा में अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 थी जिसे फ्लैश होता था, अब इसे हटाकर पूरी तरह से पोर्टल पे 22 मई 2022 हो गई है। यानी अब आप 22 मई तक अपना ई केवाईसी करा सकते हैं। इसमें 3 स्टेप होता है। पहला स्टेप आप देख सकते हैं, इसमें आपको एक आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है और उस पर एक आपको ओटीपी जाता है उस नंबर पर, और उस नंबर के बाद दूसरा स्टेप में आपके आधार कार्ड पर 6 अंक ओटीपी जाता है, और तीसरे स्टेप में आपको उस 6 अंक के ओटीपी को इंटर करने के बाद आप सबमिट कर सकते हैं पीएम किसान के ऑफिशियल वेबसाइट से। इस प्रकार से ई केवाईसी कर सकते हैं आप। दूसरा केवाईसी आपका बायोमेट्रिक तरीके से होता है। इसमें आपको साफ साफ बताया गया है कि 11वीं किस्त आप देख सकते हैं यहाँ पे, तहत हर साल की पहली किस्त 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक की जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं 10 अप्रैल इतना को की जाती है, यानी बहुत हद तक संभव है कि 2 अप्रैल हिंदू नववर्ष और 10 अप्रैल रामनवमी के दिन किसानों के खाते में 11वीं किस्त का पैसा भेज दिया जाएगा, यानी 11वीं किस्त का पैसा आपको अप्रैल तक मिल जाएगा।